फ्रेंड्स हमारे पास ये जो देख पा रहे हैं, ये जो अपना कैबिनेट है, ये है ANT ANT ESPORTS, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये मॉडल जो है आप देख पा रहे हैं ICE 200 TG। अब इसको हमने बाहर निकाला हुआ है तो आपको दिखाता हूँ कैसा लुक दिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स इसका लुक जो है कुछ इस प्रकार से आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और इसमें से बढ़िया RGB लाइट अपना ग्लो करेगा, वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो फ्रेंड्स यहाँ ग्लास लगा हुआ है ताकि अंदर में मदरबोर्ड वगैरह जो भी हो उसमें जो भी RGB लाइट वगैरह ग्लो करेगा वो बाहर से बहुत खूबसूरत दिखेगा। और इसके साथ में हम लगाएंगे इसमें 650 वाट का ये जो है कूलर मास्टर का पावर सप्लाई, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ में हम लगेगा इसमें ये जो है इसका ये है अपना MSI का मदरबोर्ड, जैसे कि देख पा रहे हैं Z590A Pro, और ये भी बहुत तगड़ा है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। और साथ में हम लगाएंगे इसमें जो प्रोसेसर है वो लगाएंगे इंटेल कोर i9 का प्रोसेसर है, और जो कि है 10th जनरेशन, देख पा रहे हैं। तो ये K सीरीज का प्रोसेसर है। और साथ में हम लगाएंगे इसमें M2 लगेगा अपना 240 GB का, देख पा रहे हैं WD ग्रीन, मतलब ये WD कंपनी का है। और साथ में हम लगाएंगे इसमें RAM, और RAM जो हम यूज़ कर रहे हैं ADATA का यूज़ कर रहे हैं 8 GB का, तो 8 GB का दो पीस हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 GB। तो बहुत ही तगड़ा है ये भी गेमिंग के लिए। और साथ में ये हमारा है प्रोसेसर का फ़ैन, फ़ैन को भी फ्रेंड्स हमको तगड़ा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हर चीज़ तगड़ा है तो फ़ैन को भी पीछे क्यों छोड़े, इसको भी अच्छा ही लगाना पड़ेगा। देख पा रहे हैं GameX 400V2 Blue। तो आइए इसको असेंबल करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये असेंबल्ड होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, नुकसान आपका कुछ भी नहीं है पर हाँ नॉलेज और ज्ञान ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स पावर सप्लाई को ओपन करते हैं। वाओ, देख पा रहे फ्रेंड्स मदरबोर्ड का लुक देखिए, और इसमें रैम का 4 स्लॉट बना हुआ है, और अपन इसमें M2 जो है 3 लगा सकते हैं। M2 का अपना 3 स्लॉट है, 1, 2 और ये 3, और ग्राफिक कार्ड भी अपना ये 2 लगा सकते हैं, और 2 और लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमको इसके लिए लगाना पड़ेगा राइजर। तो टोटल अपने 4 ग्राफिक लगा सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स ये इसमें हमको ग्राफिक कार्ड भी लगाना पड़ेगा, तो ग्राफिक कार्ड जो है हम गैलेक्स का G730 यूज़ कर रहे हैं, हालांकि प्रोसेसर में ग्राफिक कार्ड नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रोसेसर जो है हमारा i9 10th जनरेशन के साथ में हमारा जो है K सीरीज का प्रोसेसर है, तो K सीरीज में जो है बिना ग्राफिक का भी अपना डिस्प्ले आउट करता है। इसको लगाते वक्त ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें जो है ये कट बना हुआ है, और अपना प्रोसेसर में भी ये कट बना हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसका जो फ़ैन लगाना है तो सबसे पहले ये जो अपना पीछे का कवर है इसको लगा देते हैं,
अब ये वाशर है, इसको डाल देते हैं इसमें। सबसे पहले हमको इसको लगाना है फ्रेंड्स, मदरबोर्ड लगाने से पहले। ये स्टड्स दिया हुआ है, इसको लगा देते हैं। मैं देख पा रहे हैं सीपीयू लिखा हुआ है। ये फैन है पीछे का, ये वाला फैन है। उसी हिसाब से बोर्ड में भी बना हुआ है, सॉकेट है। USB 3, तो इसको भी लगा देते हैं। इसका कट जो है रीसेट वाला है, रीसेट वाला लगेगा पीछे। और उसके सामने में लगेगा ये पावर वाला। और ये जो है 4TB का हार्ड डिस्क है, तो इसको यहाँ लगा देते हैं।
चलिए कार्ड भी लग गया है, अब इसको एक बार करते हैं चालू, देखते हैं। पावर दे दिए हैं, अब इसको पावर बटन को करते हैं प्रेस। वाओ, देख पा रहे हैं, वाह क्या बात है। यहाँ फ्रेंड्स एक बटन है जो कि आप RGB का जो अपना लाइट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह जो भी पावर बटन प्रेस करेंगे कलर चेंज होता रहेगा। और ये डिस्प्ले में भी आ गया फ्रेंड्स, F1 प्रेस करने बोल रहा है।